गुड मॉर्निंग। आज है 31 जैन और आज मुझे एक दोस्त की शादी में जाना है। सुबह के 7 बज रहे हैं और ठंड बहुत है। लेट्स सी कैसे जाते हैं हम, कौन कौन आता है, कौन दोस्त आ रहा है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं टाइम कितने बजे जाना है। और एज ऑलवेज रूटीन वही रहेगा, वर्कआउट के लिए जा रहा हूँ, लेकिन जैसे जैसे मेरी बॉडी शेप में आएगी तो आई विल शो यू दैट क्या कैसे कर रहा हूँ। और हाँ, वर्कआउट के बाद मुझे ट्रिमिंग करवाने जाना था। दोस्त की शादी है, शादी में जा रहे हैं तो ट्रिमिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग सैलून पे गए थे, वहाँ पे हमारी फ्रेंड का, हमारे दोस्त का सैलून है, तो क्या हुआ वो चीज़ देखनी बनती है। तो एक बार वापस चलते हैं सैलून पे। बीच में मैं कोई योगी ना ना लूंगी। हाँ तो तेना बोलिए बता। ये कौन सी पगड़ी है? ये है जोधपुर का लहरिया बोलते हैं। अच्छा हाँ जी, थोड़ा इसको आप टाइट रखो। ठीक है। तो ये आप कहाँ से सीख के आए थे काम सांपों वाला? अच्छा ये पगड़ी वाला, वैसे तो हमारा खानदानी काम है पगड़ी बांधना, और वैसे मैंने जोधपुर से ट्रेनिंग ट्रेनिंग ली है। ली कितने दिनों में सीख गए ये काम फिर आप? है। ये तो आपके ऊपर बात होती है। अब मैं यहाँ पर संग्रिया मंडी के अंदर कोई भी धार्मिक प्रोग्राम होता है, बच्चे का कुछ जन्मदिन होता है, तो मेरे संगरिया मंडी वालों की तरफ से, थे मंडी के आसपास एक गांव हो संगरिया मंडी के आसपास में, तो मेरे तरफ से बिल्कुल फ्री सेवा है। जी हाँ, ब्याह शादी में मैं पैसे लेता हूँ। मिनिमम प्राइस क्या है आपका कम से कम? मिनिमम प्राइस इसका जो 600 रुपए से शुरू हो जाता है, उसके बाद में दूल्हे का जो साफा होता है 2200 रुपए, 2600 रुपए और 5000 रुपए तक के साथ है। जैसा आप ये सफा देख रहे हो, इसको बोलते हैं गोल्ड जरी। ये सफा कम से कम पड़ता है तो दूल्हे का 4200 रुपए में तैयार हो जाता है। संगरिया में सबसे पहले साफ वाला काम अपने ताराचंद जी सितारा हेयर ब्यूटी पार्लर वाले लेके आए थे, और 2-3 ने इनको संगरिया में कॉपी करने की कोशिश की है, लेकिन इन तक कोई नहीं पहुंच सका। सबसे अच्छा काम करते हैं संगरिया में ये। और वैसा के आजकल ये है जो, तो ऐसा है कि सब पास सही एक दूल्हे का रूप आता है, और वैसे तो आपकी मर्जी है वैसे करो, पर आप एक तो टोपी वाला दूल्हा देखना, एक ये देखना पगड़ी वाला, आपको कौन सा सुंदर लगता है? सही बात है जी। तो इसलिए मैं आजकल इधर से हरियाणा में, इधर इधर सरसा में, फतेहाबाद में, डब्बावाली के पास में, अबोर में, दूर दूर से मेरे पास ऑर्डर आते रहते हैं। मेरे को टाइम नहीं रोटी खाने के लिए, मैं तो वहां पे भंडारे में जाके खाता हूँ। सही है जी। तो जोधपुर यहाँ से काफी दूर पड़ जाता है, तो हाँ, उस टाइप का साफा सिर्फ ताराचंद जी ही बांध सकते हैं, इसलिए दूर दूर से डिमांड इनके पास आती रहती है और इनको जाना पड़ता है। जोधपुर अब हाँ दूर नहीं है संगरिया से, हमारे यहाँ नानसिंध ने रेलगाड़ियों की लाइन लगा रखी है जोधपुर तक। ये देखिए आप, राजस्थान की शान, और ये जो भाई बैठा ना, ये पंजाबी लड़का है ये, इसको राजस्थानी पगड़ी पहनने का बहुत शौक है। राजस्थानी रंग दे दिया आपने इसको, मारवाड़ी मारवाड़ी रंग दिया है। और ये कह रहा है कि तो मेरी शादी होगी तो मैं जब दूल्हा बनूंगा तो राजस्थानी पगड़ी और आनंद कारज के अंदर जो हमारे जो पंजाब की परंपरा है मैं वो पगड़ी पहनूंगा, स्टेज के ऊपर मैं राजस्थानी पगड़ी लगा के बैठूंगा।
इस भाई की इच्छा है दिल की। तो बाल कटवा लिए हैं आपके भाई ने और पगड़ी भी बांध ली है, जोधपुरी पगड़ी। आप बताना कैसी लग रही है। दो अलग अलग टाइप की पगड़ियां हैं ये नागौरी पिछली, ये जोधपुरी है और ये नागौरी है। तो दोनों ही बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी बांधी है सितारा पार्लर संगरिया। तो इनके यहाँ से बहुत, वैसे तो ये सेवा फ्री है, अगर आपके फैमिली में मैरिज है, पार्टी है या कोई भी प्रोग्राम है, बर्थडे पार्टी है, तो उसके लिए आप खुशी से जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ये वीडियो देखने के बाद करण अर्जुन का नाम लेते हैं तो उसके लिए आपको 20% डिस्काउंट इनकी तरफ से। ओके ओके थैंक यू। हाँ जी, तो मैं रेडी हो गया हूँ और मैं करण का वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, वो आएगा तो हम लोग निकलेंगे शादी के लिए। तो बात हो गई है मेरी करण से, वो यहाँ नहीं आ रहा, मैं वेट कर रहा था उसका, लेकिन अभी मैं जा रहा हूँ उसके पास, तो चलते हैं। रही बात मोटो व्लॉगिंग की, तो अभी मैं GoPro यूज़ नहीं कर रहा हूँ तो मैं मोटो व्लॉग नहीं शूट कर पाऊँगा। अभी अपन सीधा शादी में मिलेंगे या फिर रास्ते में हम कहीं रुकेंगे तो वहाँ मैं आपको बता दूँ कि हम लोग यहाँ रुक रहे हैं, तो एक बार चलते हैं। तो जी हम पहुंच गए हैं हनुमानगढ़ के साथ सटे हुए छोटे से गांव कोला के अंदर। हमारे को लगे हुए करीबन घर से एक घंटा हो गया था और चाय का मन हो रहा था, इसलिए हम इस होटल पर आज चाय पी रहे हैं। तो टी ब्रेक हो गया है, हम हैं रावसा रोड पे, अभी जा रहे हैं। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर हो रहा है। 30 किलोमीटर का रास्ता बाकी है और बारात का हमें पता ही नहीं है कितने बजे आएगी, हम शायद थोड़ा जल्दी आ गए हैं। तो बारात शाम का है तो हमने टी ब्रेक ले लिया, रास्ते में चाय पी रहे थे ये होटल रास्ते में, सूर्य होटल एंड रेस्टोरेंट। तो हम ऐसा करते हैं, हम निकलते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, एक बार देखते हैं कि रेस्टोरेंट कौन सा है, कौन सी जगह पर, हमें ये भी नहीं पता अभी कौन सा है। तो वहाँ पहुँच के देखते हैं कि क्या कितने बजे पहुँचती है बारात, तो वहीं पर मिलते हैं अभी आपसे, शादी में मिलते हैं सीधा। पीछे भी हमारे दोस्त हैं, आपका नाम क्या है? सूर्या, एक बार हाय कर दो।